हे गाइस, स्वागत है आपका टेक्नोटेकी के एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सुपर स्टडी OIS के बारे में। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक बेसिकली एक ब्राइव दे दूँ आपको कि आज के स्मार्टफोन्स में आप देखते होंगे EIS, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन बोलते हैं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर की मदद से जो स्टेबलाइजेशन है उसे यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। और ये बेसिकली जो आपके फ़ोन में जायरोस्कोप सेंसर होता है उसकी मदद से किया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा जो आजकल के स्मार्टफोन्स में आपको स्टेबलाइजेशन मिलती है वो होती है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि हार्डवेयर बेस्ड होती है। मतलब कि यहाँ पे कैमरा पे एक हार्डवेयर अटैच्ड होता है जो कि इसकी स्टेबिलिटी को मॉनिटर करते रहता है। अगर आपने गिम्बल देखा होगा तो ये कुछ वैसा ही सा होता है, लेकिन ये गिम्बल के सामने बहुत ही छोटे लेवल का चीज़ होता है, तो इसे हम गिम्बल से कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सुपर स्टेडी OIS के बारे में, तो ये सैमसंग ने अपने नए फ्लैगशिप फोन्स में इस फीचर को देना शुरू किया है। बेसिकली यहाँ पे सुपर स्टेडी OIS में सैमसंग यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि हार्डवेयर के थ्रू होती है, इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर भी उन्होंने डेवलप किए हैं AI की मदद से, जहाँ पे वो एक अलग लेवल का इमेज स्टेबलाइजेशन पुश कर पा रहे हैं। और ये जो नॉर्मल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है उससे ज़्यादा स्मार्ट भी है और ज़्यादा बेटर भी है, जो कि आपको सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सैमसंग भी अपने फ़ोन में दो नए फीचर्स लेके आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हो कि एक सुपर स्टडी OIS वो अभी लेके आए हैं अपने नए सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स में, और इसके साथ साथ वो सैमसंग के एक और नए फीचर को लेके आए यहाँ पे, जो कि है सुपर स्टडी मोड। बेसिकली यहाँ पे सुपर स्टडी OIS, आप एक रफली आप उसे OIS कह सकते हो, लेकिन सैमसंग का ये दावा करना है कि ये OIS से ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे जो AI की मदद से सॉफ्टवेयर के थ्रू जो वो टेक्नोलॉजी पुश कर रहे हैं वो OIS से एक दो स्टेप आगे है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ सुपर स्टडी मोड के बारे में, तो ये बेसिकली अगर हम इसे रफली बोलें तो ये एक तरीके का EIS ही है। यहाँ पे बेसिकली फ़ोन में वाइड एंगल कैमरा होता है, उसे यूज़ किया जाता है और उसकी मदद से जो इमेज आती है उसे क्रॉप किया जाता है इमेज को और भी ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए। बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूँ तो यहाँ पे वो ज़्यादा डेटा कैप्चर कर रहे हैं और फिर सॉफ्टवेयर की मदद से उसे स्मूथ किया जा रहा है। चूँकि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इसे यहाँ पे सुपर स्टडी मोड बोल रहे हैं। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि डे टू डे यूजेज में इनकी क्या यूज़ होगी, तो जो सुपर स्टडी OIS है वो मेन कैमरा से अटैच्ड होता है, और ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हार्डवेयर एक्सेलरेशन है तो ये ज़्यादा बेटर काम करेगा और यहाँ पे जो आउटपुट रिजल्ट है वो ज़्यादा बेटर आएगा। इसीलिए बेसिकली जब भी आप फोटो क्लिक करोगे या फिर आप किसी भी रैंडम वीडियो को शूट करोगे तो यहाँ पे सुपर स्टडी OIS को यूज़ में लेना ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सुपर स्टडी मोड के बारे में, तो ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पे रिकमेंड किया जा सकता है जहाँ पे आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है और आप भी बहुत ज़्यादा शेक कर रहे हो, तो वहाँ पे सैमसंग आपको रिकमेंड करता है कि आप सुपर स्टडी मोड को यूज़ करो। अब जैसा कि आप जानते ही हो कि सैमसंग यहाँ पे सुपर स्टडी OIS में जो बेसिक काम करने का तरीका है वो ऐसा ही है जो कि OIS का था, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर की भी अपग्रेडेशन को पुश किया गया है, तो ये एक अपर हैंड देता है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ सुपर स्टडी मोड यहाँ पे काम कैसे करेगा, तो यहाँ पे बेसिकली आप जब भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो अपने फ़ोन के वाइड एंगल को यूज़ करके, तो यहाँ पे सैमसंग ने कुछ ऐसे AI की मदद से और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स डेवलप की हैं जहाँ पे वो वाइड एंगल शॉट्स को क्रॉप करते हैं और फिर उसे स्मूथ करते हैं, ताकि जो फुटेज है वो ओवरऑल एक स्टेबलाइज्ड आउटपुट निकल के आ सके और वो ज़्यादा प्लीजेंट हो आँखों के लिए। अब अगर बात किया जाए तो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा कर सकते हैं लोग, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सुपर स्टडी OIS, क्योंकि यहाँ पे एक हार्डवेयर का पुश है तो ये ज़्यादा बेटर काम करना चाहिए, और लो लाइट में तो पक्का सुपर स्टडी OIS जो है उसे सुपर स्टडी मोड बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाएगा, और जो सुपर स्टडी OIS है वो ज़्यादा बेटर काम करेगा यहाँ पे। लेकिन वहीं अगर आप बात करो कि जब आपको किसी ऐसे टाइम पे करना है जब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा रफ हो रही हैं या फिर अनस्टेबल सिचुएशन है, तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सुपर स्टडी OIS है यहाँ पे आप USD तक को 60 FPS पे शूट कर सकते हो बिना किसी भी टाइम के
बिना किसी भी प्रॉब्लम के साथ, लेकिन जहाँ पे सुपर स्टडी मोड आ जाती है वहाँ पे आप लिमिट हो जाते हो फुल HD पे 30 FPS पे। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आप एक बात जान लो, UHD जो होती है वो फुल HD की 4 times ज़्यादा बेटर रेजोल्यूशन होती है। और आप इसे 4K में कन्फ्यूज मत कर जाना, मैं आपको एक सिनॉप्सिस देता हूँ कि यहाँ पे जो फुल HD होती है उसे हम 1920x1080p बोलते हैं। फिर हम यहाँ पे अल्ट्रा HD देखते हैं जिसकी रेजोल्यूशन 3840x2160 होती है। अब अगर आप देखो तो 4K की जो रेजोल्यूशन होती है वहाँ पे बेसिकली 4096 की जो आपकी हॉरिजेंटल रेजोल्यूशन होती है और जो वर्टिकल रेजोल्यूशन होती है वो होती है 2160 की। तो इसीलिए हम 4K को 4K 2K भी बोलते हैं, क्योंकि 4K इंटू 4K वाली रेजोल्यूशन शायद लेके आएंगे या फिर नहीं भी आएंगे, क्योंकि उसका कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो भी बदल जाएगा। इसीलिए एस्पेक्ट रेशियो को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 4K की जो रेजोल्यूशन होती है वो 4096x2160 होती है, और यहाँ पे जो अल्ट्रा HD की रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे 3840x2160 है। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि अल्ट्रा HD और 4K में डिफरेंस होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये नया चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं आपसे फ्रैंक ओपिनियन अपने शेयर करूँ तो ये जो फीचर सैमसंग लेके आ रहा है ये बेसिकली सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स की ऑब्वियसली इमेज क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, लेकिन अगर मैं आपसे रियलिटी में बात करता हूँ तो डे टू डे यूसेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्मार्टफोन का कैमरा है वो और जो यहाँ पे हार्डवेयर यूज़ कर रहे इसे स्टेबलाइज करने के लिए, और फिर जब आप उसे कंपेयर करते हो किसी DSLR के साथ जहाँ पे गिम्बल प्रॉपर प्रोफेशनल गिम्बल को यूज़ किया जाता है तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। प्लस यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आजकल के स्मार्टफोन्स में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे स्मार्टफोन कंपनीज डुअल कैमरा ट्रिपल कैमरा लेके आ रहे थे, फिर भी गूगल ने अपना पिक्सल लॉन्च किया था एक सिंगल कैमरा के साथ, और जो इमेज क्वालिटी थी जो वीडियो क्वालिटी थी वो बहुत ही ऊपर के लेवल की थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बस एक कंपनी ने कुछ निकाल दिया तो वो एकदम अल्टीमेट हो जाता है, हर दिन यहाँ नई चीज़ आते जाते हैं और हर दिन यहाँ पे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ सैम्पल्स देखने हैं तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो गैलेक्सी S20 अल्ट्रा और गैलेक्सी S10 लाइट के बीच में जो कंपैरिजन है वो काफ़ी बेटर है, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कौन सा ज़्यादा बेटर है किस किस सिनेरियो में। मैं एक वीडियो का लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है और फिर आप जान सकते हैं कि किन किन चीज़ों में कौन सा बेटर है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि कोई भी एक कैमरा या कोई भी एक स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता है, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे सैमसंग के भी फ्लैगशिप फोन्स के कैमरा में कुछ ना कुछ रह जाती है कमी, जिसे हम कंपेयर करते हैं अगर एप्पल या फिर गूगल पिक्सल पे तो सामने आती है। तो आप क्या क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसकी मदद से आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल पाएंगी और आप उसे देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, मैं आशा करता हूँ आपका दिन अब शुभ बीते।